अरे ओकरा घर से हुए हैं फरार, फिर कपड़ा बदल के आए हैं। अब पहली वाली छोड़ दिए, अब दूसरी को पटाए हैं। ठीक है, क्या गाना गाया है मैंने। एक पद्म भूषण तो मुझे भी फेंक के मारो। अजी क्या हाल है। ठीक है दोस्तों, आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं अपनी ड्रीम गर्ल को। रखी है मनावा चंगा, अंतरा सिंह प्रियंका। खैर तो चलो ना यार, तरबूजा अंगूर आम और साड़ी से लेकर लोहा टीना जूता चप्पल और कबाड़ी तक अंतरा सिंह प्रियंका ने क्या क्या नहीं बेचा है, ये जानने का शुरू करते हैं सफर। स्टार्ट करते हैं झंडी जी का नया भाषण। आ गई आ गई आ गई। अरे कौन आ गई भैया? अंतरा सिंह प्रियंका साड़ी वाली आ गई। क्या बात कर रहे हो, ताड़ी वाली आ गई? ए धरती, ये लेके जा साले, भर के लेके आ ले। साले वो साड़ी वाली है, ताड़ी वाली नहीं। अच्छा साड़ी वाली है क्या? आप बोल दो, ब्लाउज तेरे लिए भी लेके आऊं। हाँ तो देखने के पैसे नहीं लगते हैं। क्या बात कर रही हो, देखने के पैसे नहीं लगते हैं? अच्छा तो खोल के दिखाओ तो। हाँ ये सही है, खोल के दिखाओ। क्या खोल के दिखाओ बे? साड़ी। साले ऐसे सामने से कभी बोलना मत, वरना चप्पल खोल के मारेगी। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। ए भौजी हो देखा ना साड़ी वाली आइल बिया। हाँ हो, हमरो एगो साड़ी लेवे के बा, यही महीना हमरा भाई के शादी बा। भाई का शादी बा? अरे तो जब भाई का शादी है तो भाई के लिए कोट पैंट लो, शेरवानी लो, भाई क्या साड़ी पहन के शादी कराने जाएगा? अब तो भाई के साया का नाड़ा जोर से बांधना, भाई के दोस्त बड़े हरामी हैं, साया में रॉकेट लगा के उड़ा देंगे। देखा भाई हाँ, देखबे साड़ी पहनने पे पियावा लुभाएगा। अब बता तेरे को कोई साड़ी पसंद है इसमें से? हाँ मुझे तो वही वाला पसंद है। कौन सा वाला? वही जो मैडम ने पहना है। इसमें कौन सी खास बात है? इसमें खास बात ये है कि इसमें हवा भर के उड़ भी सकते हैं। ये शकल देखो, ये सनकल मेघा की तरह जो मुंह बना है वो पता है क्यों बना है? नहीं। गांव में जब भी कोई साड़ी वाला साड़ी बेचने आता है ना, तो उस गांव के सारे सुहागन मर्दों की शकल ऐसे ही बनती है। पता है क्यों? क्योंकि जेब तो इनको ही ढीला करना है ना। ये बढ़िया था गुरु। हाय देखी लहरदार पुष्पा साड़ी, हाय देखी जालीदार केजीएफ साड़ी, ये दिला सिकाना चांद के पार चलो गंगूबाई साड़ी। हाँ जो आप इतने सारे साड़ियों का नाम सुने हैं उसमें एक केजीएफ साड़ी भी है। हाय देखी जालीदार केजीएफ साड़ी, ये बस पूरे गाने में केजीएफ का बस इतना ही जिक्र है। अच्छा उसके अलावा गाने की किसी लाइन में कहीं पर भी केजीएफ का कोई नाम निशान नहीं है। बट फिर भी गाने का जो टाइटल है वो है केजीएफ साड़ी वाली। ये सब भैंचोद मिलके पागल बना रहे हैं हमको, मादर डॉग के बच्चे। जालीदार केजीएफ साड़ी, ये दिला सिकाना चांद के पार चलो गंगूबाई साड़ी। गंगूबाई साड़ी? ये गंगूबाई साड़ी क्या होता है बे? अरे ये वाला साली, ये तो सफेद साड़ी है और सफेद साड़ी तो विधवा औरत पहनती है ना। अरे तो इतनी महंगाई में केजीएफ वाला साड़ी पहनेंगी तो पति का हार्ट अटैक होना तो पक्का है, तो उसके बाद इस साड़ी की जरूरत पड़ेगी ना। ये भी सही है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लाल लेबू की लेबू पियर और बन जाइबू अर्जुन के डियर। तो मैडम एक बात बताओ कि अगर पियर लेने से वो अर्जुन की डियर बन रही हैं, तो मान लो कि अगर उन्होंने हरा ले लिया तो हरी लाल की डियर बनेंगी। ओ अच्छा। ये आम
ससु ए सरल पाकल थुराल जरल कटल सबसे दूर एकदम शुद्ध देसी आम। देखो मैडम, ये सरल पाकल जरल थुराइल आम तो लोग एक बार खरीद भी लेंगे, मगर कटल आम ये तो लोग ना खरीदेंगे। क्या बोले मैं समझा नहीं। नहीं मतलब कभी आम बेचती हो, कभी तरबूजा बेचती हो, कभी अंगूर बेचती हो, कभी साड़ी बेचती हो, कोई ऐसा सामान है जो आपने नहीं बेचा है? हाँ एक सामान है। कौन सा सामान बे? घेवड़ा। हाँ बिल्कुल सही जगह पे आम बेचने आए हो, जंगल में। अरे जंगल में कौन लेगा मैडम, गांव देहात के लोग जंगल में ही लेते हैं। आम की बात कर रहा हूँ। हमने तरबूजा खाए थे, बोला रे खाए थे, अंगूर खाए थे, ककड़ी चबाए थे। बस यही गलती हो गई, तरबूज खाए ठीक है, अंगूर खाए वो भी ठीक है, खाने वाली चीज है, खा सकते हैं, मगर जो ककड़ी था उसको चबाना नहीं था। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं मेरा मतलब ये था कि जब सब कुछ खाए थे तो ककड़ी भी खा ही लेते, चबाने क्या जरूरत थी। बात तो सही है। ये देखो अब आप मलदहवा बेचो या बलदहवा बेचो, बट ये गदहवा वही खाएगा जो इसके मन को भाएगा। खाएंगी तू कहां से आईलू, चुतिया ऐसन बना दी हलू। मैं गाना काहे बंद कर दिए बे? छोड़ी तो अब कैसे छोड़ी, बोला ना अब कैसे छोड़ी। आम ले ला दस के खाला बाबू हंस के। आम ले ला दस के बहुत सस्ता है बे, हमारे यहाँ 40 रुपया किलो है। ले 10 रुपया भी महंगा लग रहा है। अरे मैडम पहले आप डिसाइड कर लो कि 10 रुपया है कि महंगा है। भांग खा के आओ का बच्चा। और आपको हम पहला दुकानदार ऐसा देख रहे हैं जो अपने ही सामान को महंगा बता रहा है। साले वो आम का दाम महंगा बता रही है, अपने सामान का दाम नहीं। अरे बाबू आम है पीला पीला अब बहुत रसीला, एकरा के खाए में कितना के हो जाला पैकेट ढीला। का बात कर रही हो? ए हट साइड हट। ए मैडम का है पैकेट ढीला के बात कर रही है? हाँ भाई के सामने पैकेट ढीला होने की बात करती हो? अरे भाई का पैकेट ढीला नहीं बल्कि आम का दाम सुनकर पैंट गीला हो गया है। देखो तो आपका आम कैसा है। अरे देखिए ना जी टोने छूने में कोई पैसा लगता लीजिए देखिए। हाँ नहीं ये बात तो सही है, मैडम ने जब तरबूजा बेचा था तब भी बताया था कि छूना टोना और पकड़ना फ्री है। छूना टोना और पकड़ना फ्री है। ओहो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे गलत मत समझो यार, वीडियो खत्म हो गया है, मैडम तो अभी कई हजार साल जिएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे लाइक जरूर करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो भी करना, क्या करोगे इतना गर्मी में घर में बैठ के, करो लाइक ही करो कम से कम कुछ तो करो। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो नीचे देखो लाल कलर का एक तो सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबाना, फिर उसके बगल में एक घंटा बन के आएगा, फिर घंटा बजा दबाओगे तो 3 ऑप्शन आएगा, ऊपर आल पे सिलेक्ट करना, समझ रहे हो ना? तो जब भी मैं अपनी वीडियो डालूँगा सबसे पहले आप ही देख पाओगे, अगर नहीं भी देखोगे तो हम ज़बरदस्ती दिखाएंगे, बता रहे हैं ज़बरदस्ती, खैर देख लेना अपने हिसाब से। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, दोनों जगह हमको फॉलो कर सकते हो, कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।